हाय देयर केपी फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। लाइक आपने थंबनेल से ऑलरेडी देख लिया हुआ है, मैं आज ना आप लोगों के साथ मार्स के जो दो ब्रश सेट है, एक पुराना वाला एंड एक न्यू वाला, दोनों का कंपैरिजन शेयर करने वाली हूँ कि कौन सा बेटर है एंड आपको कौन सा बाय करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। एंड इफ यू डू प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। तो एक मेकअप ब्रश सेट है ये और दूसरा वाला है ये, ठीक है। दोनों के ही ना प्राइजेस ऑल्टरनेटिवली क्या है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। फर्स्ट अप ये वाला है, ये गोल्डन सेट वाला, जिसमें आपको 5 मेकअप ब्रशेस मिलते हैं। इसका प्राइस आपको इस टाइम पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड नेक्स्ट अप ये वाला ब्रश सेट है जिसमें आपको 8 मेकअप ब्रशेस मिलते हैं। अगर हम प्राइस का कंपेरिजन करें ना, जिसमें आपको 8 ब्रशेस मिल रहा है ना, वो कम्पेरेटिवली इससे बहुत ही ज्यादा चीपर है। ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिल रहा है, इवन तो इसमें से 5 मेकअप ब्रश सेट है एंड इसमें 8 मेकअप ब्रश सेट है, बट स्टिल ये आपको थोड़ा सा चीपर मिल रहा है। पैकिंग की बात करें ना, सॉरी मेरे पास आउटर पैकिंग इस टाइम पे है नहीं, बट जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता ही होता है, ये वाले जो मेकअप ब्रश सेट है ना, ये बहुत ही अच्छे से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में अच्छे से प्लास्टिक के अंदर रख के एकदम सॉर्टेड होके आते हैं। ये वाले जो है ये ना कार्डबोर्ड का छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर प्लास्टिक में अच्छे से रैप होके आपको मिलते हैं। तो दोनों की ना पैकेजिंग ठीक है, बट ये वाले जो है ना मार्स वाले ब्रशेस, इनकी पैकिंग थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छी है। मे बी उन्होंने इसको थोड़ा सा प्राइसी कर दिया, बट लिविंग दैट अपार्ट, प्राइस के मामले में ये वाले ब्रश सेट बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाले ब्रश सेट की, ठीक है। यहाँ पे ना बेसिकली जैसे कि मैं आपको बता चुकी, 5 ब्रश सेट मिलते हैं। फर्स्ट आपको मिलता है कुछ इस तरीके का फाउंडेशन ब्रश। यहाँ पे ना हर ब्रश का नेम लिखा हुआ है F02। ये बेसिकली एक फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश है। इसकी हेल्प से आप अपना फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। लिटरली आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत ज्यादा ना डेंस भी है। कई बार क्या होता है ना कि इस तरीके के ब्रशेज लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, द रीजन भी उनको ऐसा लगता है कि स्ट्रोक्स विजिबल ना हो, बट इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये इतना सॉफ्ट है ना, अगर आप हल्का हल्का ऐसे करके अपना ब्लेंड करो ना, बिल्कुल भी कोई स्ट्रोक्स नहीं छोड़ता है। एंड थोड़े बहुत लगते भी ना, तो आप इस तरीके से डार्क कर देगा ना, स्ट्रोक्स अच्छे से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट अब आपको मिलता है एक पाउडर ब्रश, ये बेसिकली है F03। आप इसकी शेप देख रहे हो कितनी ज्यादा सुंदर है। ये ना बेसिकली आपकी अंडर आईज को इस तरीके से सेट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको कंसीलर ब्लेंड करना है, कंसीलर ब्लेंड करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, कॉन्टोर ब्लेंड करने के लिए या फिर नोज की कॉन्टोरिंग करने के लिए। तो बेसिकली ना एक मल्टीपर्पज ब्रश है, आप जिस भी चीज के लिए चाहो इसको यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 आई मेकअप ब्रशेस। फर्स्ट अब आपको मिलता है एक बहुत ही फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश। इसके अच्छे ना आप बहुत ही आराम से अपना आई मेकअप कर सकते हो, क्रीज पे कलर, इस पर थोड़ा सा कलर लगा होता तो मेरी आई पे आ गया, वो इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो। इन ब्रशेस की क्वालिटी ना एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है एंड ब्रश ना बहुत अच्छे से आई शेडो को पिक भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है सेम इस तरीके का ब्लेंडिंग ब्रश, लेकिन थोड़ा सा स्मॉलर। अगर आपको अपने आउटर वी पर एकदम फोकस करना है, इस तरीके से आउटर वी पर आपको सिर्फ फोकस करना है, या फिर अपनी लोअर लैश लाइन पे आपको कुछ अप्लाई करना है, उस चीज के लिए ब्रश ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड थर्ड अब आपको इस तरीके का ना एक फ्लैट शेड अप पेंसिल ब्रश मिल जाता है। इसकी हेल्प से ना आप अपने ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो, बट आई लव यूजिंग दिस फॉर स्मजिंग माई लोअर लैश लाइन। आप इसकी हेल्प से काजल स्मज कर सकते हो, इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर सकते हो, बट जब मुझे अपनी लोअर लैश लाइन पे कुछ अप्लाई करना होता है ना, मैं इसकी हेल्प से इस तरीके से स्मज कर लेती हूँ। इफ आई हैव टू से आई मेकअप ब्रशेज ना, आई थिंक दीज 3 आर इनफ, क्योंकि आपको एक क्रीज के लिए मिल रहा है, एक आउटर वी के लिए स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश मिल रहा है एंड एक फ्लैट ब्रश मिल रहा है, जिसकी हेल्प से आप स्मोक आउट भी कर सकते हो, शिमर शेडोज को पैक भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप फेस वाले ब्रशेज की बात करें ना, इसमें आपको सिर्फ 2 ब्रशेज मिल रहे हैं, तो आई थिंक फेस ब्रशेज इसमें कंपेरेटिवली कम है। थोड़े से ज्यादा होते ना तो बेटर होता है, बिकॉज इसके अंदर पाउडर ब्रश ना सिर्फ यहाँ पे एक है। अगर आप इसकी हेल्प से कंसीलर ब्लेंड कर भी लेते हो तो भी ये दिक्कत रह जाती है कि आपको पाउडर करने के लिए एक अलग से ब्रश चाहिए। आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरा जो फाउंडेशन एंड ब्लश ब्रश, स्पेशली ब्लश वाला जो ब्रश होता है, वो डिफरेंट होना चाहिए। रीजन बीइंग, क्योंकि जब आप एक ब्रश के हेल्प से अपना फाउंडेशन या फिर सॉरी ब्लश लगा लेते हो ना, सेम चीज जब आप नेक्स्ट टाइम फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए यूज करोगे, आपके फेस पे आपको फील होगा कि हल्का हल्का पिंक पिंक हो रहा है। दैट्स द रीजन आई फील लाइक इसमें ब्रशेस थोड़े से कम है। आई मेकअप ब्रशेस के लिए आई विल से दिस इज वेरी गुड, बट फेस ब्रशेस इसमें थोड़े से कम है। लेट्स टॉक अबाउट दीज मेकअप ब्रशेस। इसमें आपको 8 मेकअप ब्रशेस मिल रहे हैं, जिसमें से ये 3 सबसे पहले आपको मिल जाते हैं फेस के लिए। फर्स्ट अप यहाँ पे है फाउंडेशन ब्रश F101, अगेन वेरी अमेजिंग फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश। आई थिंक मार्स में अपने मेकअप ब्रशेस
बहुत अच्छे निकाल रहा है, लाइक लिटरली हाई एंड ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है यार। ये इतने स्मूथ है ना, और इतने अच्छे से आपका फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं ना, लाइक लिटरली आपका फाउंडेशन इस तरीके से ग्लाइड होता जाता है आपके फेस पे। आई लव दीज ब्रशेस। ठीक है, क्वालिटी के मामले में कहूँ ना, दोनों ब्रशेस की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो इस तरीके का फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश है, अगेन बिल्कुल स्ट्रोक्स नहीं छटता है। आप इस तरीके से डाब डाब करके भी यूज कर सकते हो, ब्लेंड करने के लिए भी यूज कर सकते हो, तो वेरी गुड। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे मिल रहा है अगेन उस टाइप का ब्रश जैसा आपको पिछले सेट में मिला था। इट सेज पाउडर ब्रश F102। इसकी हेल्प से अगेन आप अपनी लोअर यू नो अंडर आईज को सेट कर सकते हो, अपर आईलेस, देन पूरे फेस को भी आप अच्छे से सेट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे पाउडर ब्रश अलग से मिल गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंसीलर ब्रश, क्योंकि इसमें यहाँ पे कंसीलर ब्रश भी मिल रहा है। इट सेज के कंसील और हाईलाइटर ब्रश है F102। हाईलाइटर एज इन ये वाला हाईलाइटर नहीं, आप इसको अंडर आई हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हो। देयर इज दिस ब्रश सेट फ्रॉम अर्बन मैक, मैंने जिसको ना अमेजोन से बाय किया था, उसमें कंसीलर ब्रश है विच आई टोटली लव। एंड नहीं ये लगा लो कि उसी का ही छोटा ब्रश सेट, तो नहीं ये वाला ब्रश बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड करता है। आई लव यूजिंग दिस, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि इस तरीके के बड़े ब्रशेज आप सिर्फ अगर आपने कंसीलर लगाया है तो वो अच्छे नहीं रहते, क्योंकि आप ऑब्वियसली अपनी आईज के अंदर उसको ना अच्छे से फिक्स नहीं कर पाते, बट ये एक्चुअली छोटी छोटी जगह पे फिक्स हो जाता है एंड इसकी वजह से ना अपनी आईज को सेट भी कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आई ब्रशेस। फर्स्ट अब जो मुझे यहाँ पे ब्रश दिख रहा है ना इज दिस वन, आप देख सकते हैं फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश है। इट्स नॉट वेरी फ्लफी बट क्रीज के लिए दिस इज परफेक्ट। इट सेज कि एक ब्लेंडिंग ब्रश है E101। इट्स आई थिंक ओके फॉर यू नो ब्लेंडिंग इन योर क्रीज, आपको उतना भी ज्यादा फ्लफी ब्रश की नीड नहीं होती है, इतना सफिशियंट है। तो आप इसकी वजह से अपनी आउटर वी को ब्लेंड कर सकते हो, अपनी क्रीज में कलर प्लेस कर सकते हो एंड अपनी लोअर लैशेस में भी कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रश आई एम सीइंग हियर आर दीज टू, ये छोटे छोटे ना फ्लैट से ब्रशेज है, एक एंगुलर है एंड एक इस तरीके का बिल्कुल यू नो पतला सा पेंसिल टाइप है। इट सेज क्रीम ब्रश, आई थिंक आप इसकी हेल्प से यू नो अपनी क्रीज को इस तरीके से कट कर सकते हो इफ यू गाइज वॉन्ट। अगर आप चाहो ना तो लिटरली आई कैन फील कि आप इसके हेल्प से ना लिपस्टिक भी लगा सकते हो, बिकॉज दिस ब्रश इज लिटरली परफेक्ट। आप देख सकते हो इसके हेल्प से हम लिपस्टिक लगा सकते हो, देन यू गेट दिस वेरी अमेजिंग एंड बड़ा पतला सा एंगुलर ब्रश। इसके हेल्प से आप यू नो अपनी ब्राउज को फिल कर सकते हो इफ यू गाइज वॉन्ट। आप इस तरीके से यू नो आई लाइनर्स ड्रॉ कर सकते हो, वेरी गुड। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट टू ब्रशेज है वो कुछ इस टाइप के हैं। फर्स्ट आप इट सेज आई शेडो पैकिंग ब्रश, ये ना इस टाइप का कुछ ब्रश है, आप देख सकते हो इट्स लाइक फ्लैट बट थोड़ा सा डेंस है, तो इसके हेल्प से ना आप अपना जो क्रीज का कलर ये होता है ना यहाँ पे वो प्लेस कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे सबसे छोटा ब्रश मिलता है पेंसिल ब्रश, आप देख सकते हो ये राउंड है एंड थोड़ा सा फ्लफी है, तो इसके हेल्प से आप लिटरली यू नो अपनी आउटर वी पे या आपको यहाँ पे कुछ स्मज आउट करना है या फिर लोअर लैशेस पे कुछ अप्लाई करना है या फिर यहाँ पे इनर कॉर्नर्स पे, तो उसके लिए परफेक्ट। सो आई थिंक आई मेकअप के लिए यहाँ पे आपको सारे के सारे ब्रशेस मिल रहे हैं, क्रीज ब्रश भी मिल रहा है, देन एक पेंसिल ब्रश मिल रहा है, आई शेडो पैकिंग ब्रश मिल रहा है, देन आपको क्रीम ब्रश मिल रहा है अगर आपको पता कंसीलर यू नो कट क्रीज करना है, एंड एक एंगुलर ब्रश भी मिल रहा है। तो ना ब्रशेस की क्वालिटी दोनों में ही बहुत ही अमेजिंग, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि एक की खराब है एक की अच्छी है, दोनों की एक्चुअली बहुत अच्छी है, इक्वली बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत अच्छे से आपका प्रोडक्ट ब्लेंड करते हैं, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट एप्लीकेशन में आपको हेल्प करते हैं एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बट अगर हम प्राइस वाइज की बात करें ना, तो जो टाइटन वाले ब्रशेज हैं उसमें आपको ब्रशेज भी ज्यादा मिल रहे हैं, एट द सेम टाइम ना वो प्राइस भी कंपैरेटिवली लेस है। तो आई विल रेकमेंड अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो ना, डेफिनेटली गो फॉर द ग्रीन वंस। एंड यार गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू डू प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोनों ही ब्रशेस सेट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इन केस यू गाइज वांट टू बाय इट आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।